2024 को लेकर मायावती ने बनाई खास रणनीति। इस समीकरण से बढ़ेगी विपक्षी दलों की मुसीबतें। आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यूपी की सभी 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। बसपा अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को पार्टी कार्यालय पर प्रदेश भर के पदाधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में निकाय चुनाव के नतीजों की समीक्षा के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। पार्टी के कई पदाधिकारियों ने बताया कि बसपा सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। अगले 3 महीने यानी अगस्त तक बसपा प्रदेश भर में सेक्टर व बूथ कमेटी का रिव्यू कर पुनर्गठन करेगी। इसमें जो नॉन परफॉर्मर हो गए उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। नई कमेटियों में पुराने कार्यकर्ताओं के साथ ही 50% युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा महिलाओं की भागीदारी भी रहेगी। संगठन में वरिष्ठ नेताओं और युवाओं का कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, मतलब बसपा वरिष्ठों का अनुभव युवाओं की ऊर्जा साथ लेकर चलेगी। सितंबर से पार्टी बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान भी चलाएगी। 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने के लिए बसपा बड़ी तैयारी में जुटेगी। मायावती ने पहले 1 घंटे पार्टी कार्यालय पर बैठक की। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र, मुनकाद अली, विधायक उमा शंकर सिंह, एमएलसी व लखनऊ के कोऑर्डिनेटर भीमराव अंबेडकर, मुरादनगर के कोऑर्डिनेटर नौशाद अली, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, बसपा के पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड संयोजक इमरान मसूद, मंडल प्रभारी, जोन इंचार्ज, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष समेत प्रदेश भर से छोटे बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक के बाद बसपा अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के कुछ बड़े पदाधिकारी और मंडल प्रभारियों से अपने आवास पर अलग अलग मुलाकात की। साफ जाहिर है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती कितनी गंभीर है। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बसपा का गठबंधन बैकवर्ड दलित मुस्लिम अपर कास्ट और गरीब से हो चुका है। बैठक में मायावती ने एक बार फिर कहा कि सत्ताधारी पार्टी चुनाव में प्रभाव कम करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। इनके खिलाफ सतर्क रहने की ठोस रणनीति के हिसाब से आगे लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करनी है। बीएसपी को इस प्रकार की कठिन चुनौती का हमेशा ही सामना करना पड़ा है। निकाय चुनाव में विपरीत हालात का सामना करते हुए बीएसपी को समर्थन के लिए लोगों का तहे दिल से आभार और शुक्रिया। मायावती ने कहा, सत्ताधारी बीजेपी चाहे जो भी दावा करे, लेकिन वास्तविकता यह है कि ओबीसी आरक्षण तथा महिला सीटों के आरक्षण सहित शुरू से लेकर अंत तक इस चुनाव को भी हर प्रकार से मैनेज व मैनिपुलेशन करने का प्रयास किया गया। मायावती ने कहा कि बसपा दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सीटों के इशारों पर कार्य नहीं करती है और इसलिए पार्टी को आर्थिक मजबूती पर भी ध्यान देने की जरूरत है।